प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर, लेकिन जब बस की कंडक्टर हो विशाखा तो सफर में प्यार नहीं गालियों की भरमार होती है। देखे बेचारा मंत्रा इस गुस्सेल कंडक्टर की बस में हिंदी वाला सफर करता है या फिर इंग्लिश वाला सफर। प्लीज वेलकम कपिल अंकिता की टीम से विशाखा एज लेडी कंडक्टर एंड मंत्रा एज पैसेंजर। नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते। अरे आप तो बड़ी किस्मत वाली हैं। देखो ना, अब परमीत आपके बस में है, कॉमेडी सर्कस आपके बस में है, कपिल आपके बस में है, और अंकिता वो तो जिनके शो कर रही है उनके भी बस में नहीं है। और एक मैं हूँ कि मेरा पति मेरे बस में नहीं है। छोटी छोटी बात पर हमेशा लड़ता रहता है। अब उस दिन पड़ोसी के बच्चे आए थे, खेल रहे थे, तो मैंने इनकी माँ की टांग निकाल कर लकड़ी की थी बच्चों को खेलने के लिए दी। तो बेचारे बच्चे, देखो क्रिएटिविटी देखो अर्चना जी, वो लकड़ी की टांग से गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तो मेरा पति भड़का, बच्चे बेचारे मासूम से रोने लगे, तो मैंने रोते हुए बच्चों को कंचा खेलने दिया। अब बताओ मुझे क्या मालूम कि वो कंचा नहीं बल्कि इसकी माँ की आँख थी। अरे सारे इसकी माँ की आँख नकली, टांग नकली, बाल नकली, अरे बल्कि उसका बाप भी नकली। इसीलिए मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ आ गई। अब मैं खुद कमाऊंगी, खुद अपना घर चलाऊंगी। इसलिए नई गड्डी खरीदी है, सेकेंड हैंड है लेकिन अच्छी है, अच्छी है। अब मैं उस बस का कंडक्टर, ड्राइवर सब मैं ही हूं। अब बस में अगर स्कूटर का इंजन लगा तो ऐसे ही होगा ना। अरे किधर? ए रोको, ए बस को रोको। अरे मैं रॉजर पटेल, रिटर्न ऑफ द अमेरिका। अरे रोको मोटी बहन, रोको। ए गेड़ी, ए बेरी हो गई क्या तू? पीछे से इतनी जोर जोर से आवाज क्या मार रहा हूँ मैं? पीछे से? हाँ। अरे भगवान ने तेरे को मुंह दिया है ना, तो मुंह से आवाज निकाल। ए टुनटुन की भतीजी, हाँ, तू क्या अपने आप को यहाँ पर टांगे वाली बसंती समझती है? हाय ला, उससे तो कम भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसी बसंती होती ना तो शोले में गब्बर कह रहे होते, माँ मैं सो जाऊँ वरना बसंती आ जाएगी। पगली, पगलोट। गुस्सा मत दिला, नहीं यही तो यही उतार दूंगी। नहीं, ची 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 ची, कपड़े उतारने की बात करती, मुझे रात को बुरे सपने आएंगे। अबे तेरे को बस से उतार दूंगी, समझा क्या? अरे तो बता जाना कहाँ है? मुझे अहमदाबाद जाना है, शादी के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। अच्छा शादी? हाँ। तो और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद। तू कैसे बोल सकती है कि शादी के बाद लड़की की जिंदगी बर्बाद होती है? अरे यार, तो मेरी भी तो शादी हो गई है ना, जब से मेरी शादी हो गई है तब से मेरी लाइफ बर्बाद। सू बात करी छे मोटी बहन, तेरी शादी हो गई? हाँ रे। अरे तेरी शादी हो गई, इस फिगर पे ये जिगर। चल तुझे अहमदाबाद जाना है ना, 500 रुपए निकाल। 500 रुपए? अरे जिस लड़की से मिलने जा रहा हूँ वो खुद 200 में आती है। अच्छा क्या? अरे मेरे कहने का मतलब है अहमदाबाद से मुंबई 200 रुपए की टिकट करा के आती है, तुम भी नो। अरे वो तो पुरानी बात हो गई, अब पेट्रोल देखा कितना महंगा है, 70 रुपए लीटर है अर्चना जी। अरे उनको क्या बता रही, वो तो खुद डीजल पर चलती है। अरे डीजल इंजन देखा, पहले तेरे मेरे एक्ट के बाद माहीसूरी का एक्ट होगा, ये थोड़ा सा गर्म होंगी, थोड़ा थोड़ा हंसेंगी, जब तक इनकी हंसी स्पीड पकड़ेगी तब तक कपिल आ जाएगा और लोग कहते हैं कपिल का एक्ट अच्छा है। अच्छा चल सुन, 250 रुपए का सेकंड हैंड टिकट देने। अबे सेकंड हैंड टिकट तो भी मिलते है क्या? ये तो तेरी बस भी तो सेकंड हैंड है। अबे बस को तो कुछ बोल, क्या कर रहे हो? ए तेरे को मैंने बेवकूफ बनाया, मेरे को कोई अहमदाबाद नहीं जाना था, मुझे तो जहाँ जाना था मैं आ गया अर्चना बार में। अब तो राज बर्ड हक की टिकट। बनी यार बस कंडक्टर, पता है अर्चना जी क्यों बनी? वो क्या है ना, मेरे ससुर जी कहते थे बहू ऐसी हो जो हमेशा बस में रहे। तो बस हो गई मैं बस कंडक्टर। चलो छोड़ो, निकलते हैं अमेरिका। चलो चलो अमेरिका, अमेरिका किसी को आना है क्या? अमेरिका। अरे
रोको रोको। अरे ए, बुड्ढे मरने क्या? अरे ए, अभी हमारी ऐसी उम्र नहीं हुई है कि बसों के नीचे आके कुत्ते की मौत मर जाए। पर तू कहती है तो तेरी आंखों से मर सकती हूँ जानेवन। जाने मन, ओए बुढ़े तेरी उम्र देखी क्या? अरे उम्र, उम्र पे मत जा। अरे मोबाइल कितना भी पुराना क्यों ना हो, सिम कार्ड अच्छी हो तो कॉल लगी जाता है। अरे हाथ तो दो जरा, गाड़ी में तो बुलाओ। नहीं 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 नहीं, तेरे लिए इस गाड़ी में कोई जगह नहीं। चल हट। अरे कैसी बात कर रही हो, मरने के बाद आदमी अपने लिए 6 फुट की कब्र तक ढूंढ लेता है, अभी तो मैं जिंदा हूँ। अंदर बैठ के बातें करते, रुक जा। नहीं, नहीं, रुक रुक। अबे अबे बुड्ढे वहाँ का बैठा है? वो सीट महिलाओं के लिए। आए तो हम भी तो महिलाओं के लिए है। अबे बुड्ढे बोल, तुझे जाना कहाँ है? मुझे कोठा। कोठा? अच्छा, शमशान की उम्र में घमासान की तैयारी। अरे गंदी दिमाग, गंदी सोच। हम बोल रहे हैं हमें जाना है कोटा, वहाँ रहता हमारा पोता, समझ रही हो? अरे अरे बस इतनी हिल क्यों रही है? अरे ओ चाचा चाचा, वो बस है ना खराब हो गई है। अच्छा? तो धक्का के बिना शुरू नहीं होती। धक्के के बिना बस शुरू नहीं होती? अंकिता सुन रही हो, यहाँ तो बस भी धक्के से शुरू हो जा रही है, कुछ तो सीखो। अरे तुम रुको, मैं तुम्हारी गाड़ी को धक्का लगाता हूँ। ओए ओए ओए, 70 साल के कक्का चले लगाने धक्का। अरे अरे सुनो, अगर मेरी बात नहीं मानते तो इनसे पूछ लो, साथ में एक ही अखाड़े में पहलवानी किया करते थे हम दोनों। मैं और अर्चना की बात, सोए की बात नहीं कर रहा। कहाँ रही हो? पहले ये बता तुझे जाना कहाँ? कोटा। मैं कोटा। लेकिन मैं समझ गई तू है कौन। एक पप्पी बनती है। कौन सी पप्पी? चुम्मी दे लो। काहे के लिए? हमें हमारे बाबा का एक वरदान चेक करना, उन्होंने बोला था चुम्मी करके मैं मम्मी बना सकता हूँ। बेसाले रुक, कोई जरूरत नहीं है। कौन है तू? मैं पहचान गई। अरे यही है मेरा पति। जी अर्चना जी, वो क्या है ना कि थोड़ा परेशान थी, मैं मनाने के लिए आया था, अब मान जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। वो तो जब मानूंगी तब यहाँ से अच्छे नंबर मिले। माता के बारे में सुहेल। बॉस, अगर तू बड़े होके ऐसा ही ठरकी बुड्ढा बनेगा ना, तो मैं तेरा दोस्त बनना चाहूंगा उस उम्र में। सुपर्ब यार, आई थिंक दैट यू गाइस एज अ टीम आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट मैन। थैंक यू। अर्चना, विशाखा, आपकी एनर्जी, आपकी टाइमिंग, आपकी प्रेजेंस ऑन स्टेज और बढ़ती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। मंत्रा, आप और इनकी जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत रंग ला रही है। थ्रू आउट द एक्ट देयर वाज अ गुदगुदापन इन द एक्ट एंड दैट वाज वेरी एंजॉयबल। सुहेल, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 8 points, well done. अर्चना जी, डीजल या पेट्रोल? आजकल मेरे और सुहेल के ख्यालात मिलने लगे। 8 points.